और मेरे प्यारे भाई ओ कैसे हो आप सब। तो स्वागत भाई फिर से आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग भाई आज का इस भाई कंपैरिजन वीडियो में। तो गाइस आज जो ये कंपैरिजन शेयर करने वाला हूँ भाई, जो दो फोन का जो भाई न्यू अभी लॉन्च हुआ है। हालांकि भाई जो सेकेंड वाला फोन है वो भाई फरवरी में या फिर भाई मार्च के शुरू में लॉन्च हुआ था, लेकिन जो भाई दो फोन है भाई बराबरी का मामले में आएगा, जो कि एक है भाई मोटरोला एज 50 प्रो, दूसरे तरफ पे है भाई रियलमी 12 प्रो प्लस। तो इस दोनों फोन के अंदर भाई तागरे से तागरा टाइप का भाई कंपटीशन देखेंगे। और जो जो लोग भाई नहीं समझ पा रहे थे कि भाई कौन सा फोन तुम लोगों के लिए सबसे बढ़िया होने वाला है, वो लोग भाई अगर ये वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो भाई आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई मैं एक चीज और बता देता हूँ कि भाई देखो दोनों ब्रांड अलग अलग से ब्रांड का फोन है, तो भाई कोई से भी ऐसा हेड मत फैलाना क्योंकि भाई दोनों ब्रांड अलग अलग जगह भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई मैं उसे दिखते हैं और वाचिंग माई टेक्निकली उसे यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को तैयार पेट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस दोनों फोन के अंदर प्राइस और इसका कलर वेरिएंट का मामले में बात करेंगे, उसके बाद इसका जो अंदर का मतलब टेक्निकली स्पेसिफिकेशन वगैरह है उसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले भाई मोटरोला का बात करेंगे, तो इसके अंदर आप लोगों को एक ही वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि भाई 8GB 256GB, जिसका प्राइस है अंडर 32,000 के अंदर। और वहीं पे रियलमी 12 प्रो प्लस के अंदर भाई आप लोगों को तीन वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। एक भाई 8GB 128GB, जिसका प्राइस है अंडर 32,000। दूसरा है भाई 8GB 256GB, जिसका प्राइस भी भाई अंडर 32,000 के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा है भाई 12GB 256GB, जिसका प्राइस है अंडर 35,000। तो गाइस ये जो तीनों मैंने मतलब मैं आप लोगों को अंदर ही प्राइस बताया, क्योंकि भाई देखो ये जो वीडियो है वीडियो तो मैं आज शूट कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आप लोग भाई 2-3 महीने बाद देखोगे तो प्राइस भाई ऊंच नीच हो सकता है, तो इसीलिए मैं भाई अंदर ही बता रहा हूँ इसका प्राइस को। तो आप लोग भाई आप लोगों के हिसाब से भाई जब भाई जिस फोन के साथ जाओगे तो एक बार प्राइस चेक कर लेना। उसके साथ ही साथ आप भाई कलर वेरिएंट का बात करते हैं, मोटोरोला के अंदर भी आप लोगों को तीन कलर वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। एक है भाई ब्लैक ब्यूटी, दूसरा है भाई लक्सी लेवेंडर करके, तीसरा है भाई मूनलाइट पर्ल। और वहीं पे रियलमी 12 प्रो प्लस के अंदर भी आप लोगों को चार कलर देखने के लिए मिल जाएगा। एक है भाई सबमरीन ब्लू, दूसरा है भाई नेविगेटर बीच, तीसरा है भाई एक्सप्लोरर रेड। तो आप लोग भाई कोई से भी कलर के साथ आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि देखो ये जो मैं आप लोगों के साथ कंपटीशन शेयर कर रहा हूँ ये तो भाई प्रैक्टिकली हो गया, तो आप लोग अगर भाई थ्योरी के लिए देखना चाहते हो, ये तो थ्योरी के लिए है भाई, आप लोग अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो ये जो मेरा चैनल है चैनल को जरूर से सपोर्ट दिखाना। इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब हर एक चीज कर देना, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार के साथ भाई जरूर से इस वीडियो को फैला देना, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये सारे फोन को ना पर्सनली खरीद कर आप लोगों के साथ गेम टेस्ट अनबॉक्सिंग रिव्यू हर एक चीज मैं शेयर करूंगा। तो देखो आप बात करते हैं कि इसके अंदर पोस्टर क्या क्या देके रखा है, तो दोनों के अंदर भी आप लोगों को स्नैपड्रैगन का पोस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। मोटोरोला के अंदर जो है भाई स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो सीपीयू होने वाला है वो है भाई 2.63 GHz का। उसके साथ ही साथ रियलमी 12 प्रो प्लस के अंदर भी आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका जो सीपीयू होने वाला है वो है भाई 2.4 GHz का। उसके साथ ही साथ आप भाई बात करते हैं कि डिस्प्ले के मामले में, तो डिस्प्ले के मामले में तो भाई मोटरोला एकदम ऊपर में चलता है भाई टॉप पे। तो देखो इसके यहाँ मोटरोला के अंदर भाई आप लोगों को 6.7 इंच का फुल HD प्लस POLED देखने के लिए मिल जाएगा डिस्प्ले, कार्ड डिस्प्ले होने वाला है भाई। और इसके अंदर आप लोगों को 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका जो रिफ्रेश रेट होने वाला है वो है भाई 144Hz का। और वहीं पे जो रियलमी 12 प्रो प्लस है इसके अंदर आप लोगों को 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर भाई आप लोगों को प्रो HDR का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और 4K रेजोल्यूशन आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा। उसके साथ ही साथ इसका जो रेट होने वाला है वो है भाई 120Hz का। उसके साथ ही साथ गाइस आप बात करते हैं कि भाई बैटरी क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो मोटरोला के अंदर भाई आप लोगों को 4500mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को 125W का
फास्ट चार्जर का फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर मोटोरोला के अंदर आप लोगों को 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा यार। लेकिन Realme 12 Pro Plus के अंदर आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को सुपर बूक 67 वाट का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन भाई Realme 12 Pro Plus के अंदर आप लोगों को कोई सा भी वायरलेस चार्जिंग का फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा यार। उसके साथ ही साथ आप बात करते हैं कि इस दोनों फोन का भाई सॉफ्टवेयर और UI और OS क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई देखो दोनों फोन अभी अभी 2024 में रिलीज हो रहा है तो आप लोगों को Android 14 इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अपडेट भी आएगा और भाई और भी मतलब सॉफ्टवेयर अपग्रेड देखने के लिए मिल ही जाएगा आप लोगों को। उसके साथ ही साथ आप जो बात करते हैं इसका UI OS क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि है भाई इसका मोटोरोला का और भाई रियलमी का अलग अलग से UI है तो दोनों का अलग अलग सा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि है भाई मोटोरोला के अंदर आप लोगों को हेलो UI देखने के लिए मिल जाएगा और वहीं पे रियलमी के अंदर भाई आप लोगों को रियलमी UI देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप बात करते हैं कि इसके अंदर डॉल्बी फीचर्स है कि नहीं, तो दोनों के अंदर भाई आप लोगों को डॉल्बी एटमोस का फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब साउंड के मामले में, कलर के मामले में भाई दोनों फोन एक नंबर भाई पूरा बड़ाबड़ी में चल रहा है भाई अंडर 35,000 के अंदर दोनों फोन ही। तो भाई आप लोग कोई सा भी फोन के साथ जाना चाहते हो, आप लोग भाई मतलब किस फोन के साथ जाना चाहते हो जोर से वहां पे कमेंट में बता देना यार। तो आप देखते हैं कि इस दोनों फोन के अंदर भाई सेंसर क्या क्या देके रखा है और 5G बैंड क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो दोनों फोन के अंदर आप लोगों को हर एक सेंसर मिल जाएगा, लाइक जायरोस्कोप, कंपास, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, आप लोगों को हर एक सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा यार। उसके साथ ही साथ 5G बैंड भी आप लोगों को हर एक 5G बैंड का देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब भाई आप लोग अगर लो कनेक्टिविटी में भी 5G यूज कर रहे हो तो आप लोगों को ऐसा कुछ दिक्कतें वगैरह नहीं आएगा। आप जो इस वीडियो का जो आखिरी सवाल होने वाला है कि भाई दोनों फोन का वेट क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा यार, जो कि भाई मोटोरोला के अंदर आप लोगों को 186 ग्राम का वेट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे जो Realme 12 Pro Plus है इसके अंदर आप लोगों को 196 ग्राम का वेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस इसी की पार्ट था जो आज का इस दोनों फोन का भाई मतलब एक्सट्रीम से लेके साइड से भाई आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ जो कि इसका कॉम्पिटिशन। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है कि नहीं भाई जोर से मेरे को कमेंट में बता के जाना। और इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक एक लाइक कर देना, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार के साथ भाई जरूर से इस वीडियो को फैला देना, क्योंकि भाई तुमको अगर डाउट वगैरह रहता है तो उसको भी हो सकता है डाउट वगैरह होगा, तो ऐसे डाउट ना रहे तो ही भाई बढ़िया होगा। और मेरा चैनल को सपोर्ट कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ वीडियो लेके आता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट दिखाओगे तो मैं ये सारे फोन को मैं पर्सनली खरीद के आप लोगों के साथ जो उन्हें सोना रिव्यू, गेम टेस्ट, मतलब BGMI का, PUBG का जो भी बोलोगे आप लोग भाई शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं जाते जाते एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, देखो दोनों ब्रांड अलग अलग सब ब्रांड का फोन है तो ऐसा कोई भी हेट मत फैलाना किसी भी ब्रांड को, क्योंकि दोनों ब्रांड अलग अलग जगह भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। लेकिन अपना ओपिनियन भाई जरूर से कमेंट में आकर बता सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप वॉचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही,